इन लेक्चर्स के पीछे सारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको भी उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैं ये वाली बुक ले लूं या मैं वो वाली बुक ले लूं, मैं सिंगेज ले लूं। भाई बुक सारी अच्छी, लेकिन मैं अपने थोड़ी सी ईमानदारी के साथ बोलूं तो मैं कहूंगा कि यार अगर आप अपना होमवर्क, अपना स्कूल, अपनी क्लासेस, अपने नोट्स, अपनी प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब करने के बाद अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है, आप जरूर करिए यार, जरूर करिए। लेकिन आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप अगर उसको पूरा नहीं कर रहे और फिर आप कभी ये किताब सॉल्व कर रहे हैं, कभी वो किताब सॉल्व कर रहे हैं, खो जाओगे बेटा। या तो वही होता कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता कि हाँ बेटा 5 किताबें जो फेमस है मार्केट में, ये किताब खरीद लो, आपको कह देता, आप खरीद लेते। कई बच्चे इसमें से खरीद लेते और मैं कहता करो क्वेश्चन, 1 महीने में खुद परेशान होकर खुद ही छोड़ देते और मेरे को पागल और कहते कि यार पता नहीं कौन सा पागल मास्टर जुड़ गया हमारे साथ, ये पागल मास्टर ने 10 किताबें खरीदवा दी, टाइम ही नहीं है, इतना पढ़ा रहे हैं टाइम ही नहीं है, स्कूल कैसे मैनेज करें। अपने आप को पागल नहीं बोलते। तो या तो मैं पहले महीने में तुमसे मेहनत करवा के फिर तुम्हारे 9 महीने बचवाता हूँ, या तो ये 2 ही ऑप्शन है, या तो खरीदवा दो या तो नहीं। मुझे लग रहा है अगले साल के लक्ष्य वाले स्टूडेंट को पहले हम जाते ही सबसे पहले बताएं, जो इनको खुजली रहता है ना कौन कौन सा किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सारा किताब लिख के एक बार दे देंगे, भाई लो PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम पे से या खरीद लो। या तो 1 महीने तुम घिसने के बाद तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार इतनी मोटी किताब के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं, सबसे पहले बेसिक चीजें कंप्लीट करनी है वो हो जाएंगी, उसके बाद अगर समय बचता है तो नो डाउट उस चीज को कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका ये है, जो हमने इस बार गलती कर दी है, गलती करने के बाद सीखे हैं, हमने पहले बोल दिया कि भाई बेसिक चीजें ये कर लें उसके बाद वो तो कर लेंगे, अब आपको हमेशा रहता है कब करेंगे। ठीक है, अब मेरे को पता है स्टार्टिंग 1 महीने में मैंने फालतू चीज बोल दी, अब 9 महीने आप मेरे को तंग करोगे। इससे बढ़िया ये था कि 1 महीना स्टार्टिंग में आपको कह देता ले कर ले, जैसे ही करे होते तभी पता लग जाता कि 9 महीना बच गया चला, क्योंकि आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो 10-10, 12-12 घंटे, तो अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार क्या ये सब वर्थ इट है, क्या मैं सही तो कर रहा हूँ, या फिर बोर हो गए हैं सर अब कितना इसको पढ़े।